हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकू सरस्वती। आज हमारा 500 ग्राम केक बनने जा रहा है। कसाटा फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर मैंने प्रीमिक्स ले लिया है। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अच्छे से बैटर को रेडी करेंगे। छोटा सा चम्मच हमने वेजिटेबल ऑयल और वेनिला एसेंस की कुछ बूंदें डाल दी है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे कप से देखो, 240 कप से एक कप मैंने ये प्रीमिक्स लिया है। आधा कप हमने पानी ले लेना है। 5 इंच के एक टिन में वाटर पेपर लगा दिया, अच्छे से टैप टैप करना है। और ओटीजी प्रीहीट हो गया है। प्रीहीट ओटीजी में हमने बेक होने छोड़ दिया है। 180 डिग्री टेम्परेचर, नीचे की एक रोड ऑन रखी थी और 20 मिनट टाइम। यहाँ पे मैंने व्हिप क्रीम ले लूँगी। 500 ग्राम केक में 240 ml कप से एक कप। यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम ज़्यादा है, क्रीम मेल्टेड होनी चाहिए। पहले 3 की स्पीड में व्हिप करो, बाद में स्पीड बढ़ा दो। मैं बाद में 7 की स्पीड में व्हिप कर लूँगी। और ये देखो हमारा क्रीम हल्का सा रनी है, तब वापस मैं कर लूँगी। बाद में ये हो गया कंप्लीट। फ्रिज में ठंडा होने छोड़ देना है। अब हमारा केक भी ठंडा हो गया है, उसी ऊपर की लेयर हटा के 3 लेयर काट लेंगे और उस साइड में छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये 3 लेयर कट हो गई। एक कटोरी में मैंने चीनी डाल दी थी पीसी हुई, अच्छे से मेल्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने क्रीम में एमल्सन डाली हूँ, तो ये पाइनएप्पल एमल्सन डाल के बल्ली एक पॉलीथीन में, दूसरी हम रेडी करेंगे स्ट्रॉबेरी वाली और तीसरी हमारी है पिस्ता। तीनों को ठंडा होने छोड़ फ्रिज में छोड़ देना है। एमल्सन डाला है जिससे कलर और फ्लेवर दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने पहला बेस लिया, केक बेस के ऊपर मैंने व्हिप क्रीम स्प्रेड कर ली है। चीनी पानी से सोक कर लेना है और स्ट्रॉबेरी वाली हमारी जो थी पिंक कलर की, उसे स्प्रेड करके टूटी फूटी डाल लिया है। दूसरी बेस ले ली, उसे भी चीनी पानी से सोक कर लेना है। ये पाइनएप्पल फ्लेवर की हमारी क्रीम है येलो कलर की। स्प्रेड करने के बाद ये है हमारे बटर स्कॉच के चंक। आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो तो वो भी मिक्स ड्राई फ्रूट यहाँ पर डाल सकते हैं। ये लास्ट लेयर दोनों ओर सोक करनी है। पहले देखो यहाँ पे नीचे मैं पिंक कलर की क्रीम स्प्रेड करूँगी, फिर येलो कलर की क्रीम स्प्रेड करूँगी, फिर ग्रीन। सारी क्रीम स्प्रेड करने के बाद इक्वली स्प्रेड करनी है। तो यहाँ पे एक दूसरे में मिक्सअप ना हो जाए वो ध्यान रखिए। तो ये देखो यहाँ पे मेरा वही हाल हो गया। तो मैंने पूरा क्रीम निकाल दिया, वापस कर रही हूँ। तो वापस मैं कर रही हूँ इससे भी बड़ा केक का, एक 5 kg केक का कोको मेडल थीम कलर ही नहीं था, अलग था। तो उसमें ऐसे ही कलर बेचते हैं, तो वो बहुत आसानी से रेडी हो गया था। पर ये छोटू सा था तो बहुत दिक्कत दे रहा था, फिर भी मैंने हार नहीं मानी और केक अच्छे से डिजाइन करके मैंने दिया। तो फ्रेंड्स, कभी भी हार नहीं माननी, मेहनत करते रहो, अच्छे से डिजाइन उभर के आएगी। जहाँ जहाँ हमारा क्रीम कम लग रहा है वहाँ वहाँ हम वापस स्प्रेड करेंगे और डिजाइन देंगे। तो ये हमारा केक 500 ग्राम प्रॉपर वेट होगा। यहाँ पे हुआ क्या था, काफ़ी टाइम लग गया था, तो मेरी क्रीम गर्मी की वजह से मेल्ट नहीं हुई, पर हो गई ड्राई। मतलब क्रीम में हल्के से छेद हो जाते हैं, जो हमारी यहाँ पे डिजाइन में जो अच्छी नहीं, ये क्रीमी जो दिख रहा है ना, वो डिजाइन नहीं देंगे। ऊपर से आप देखोगे ध्यान से तो हल्का सा डॉट डॉट वाली क्रीम होगी शायद। तो ये क्रीम में मैंने क्या किया, पूरा बाउल में निकाल दिया अलग अलग, और उसमें 3 से 4 बूंद मैंने पानी डाल दिया। आप व्हिप क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पानी के 3 बूंद डाली, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छे से मिक्स कर लिया, बाद में मैं ये डिजाइन बना रही हूँ। तो देखो फ्लावर हमारे कितने अच्छे बन रहे हैं। और ये मैं पलका बॉर्डर बना लूँगी, ऊपर चेरी लगा दूँगी और सिल्वर स्प्रे से डेकोरेट कर लूँगी। ये पीछे की ओर के जो ब्लैक कलर का है वो डार्क चॉकलेट मैंने लगा दी, क्योंकि ये बीच में जो टैग लगाएंगे बाद में फ्रिज में रखेंगे तो ये टैग उभरा सा आ जाएगा, तो वो चॉकलेट लगाने की वजह से अच्छे से चिपक रहेगा। मैंने पैकिंग भी दिखा दी, इस बार अच्छे से पैक कर देना है। और पैक करने के बाद ऊपर हम मोमबत्ती और लगा देंगे जो नाइफ, और बाद में फ्रिज में रखना है। खुला केक फ्रिज में नहीं रखना है, ड्राई हो जाता है। आई होप लाइक सर।